हेलो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से दृश्य के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज हम अपने टेरेस गार्डन का आपको ओवरव्यू दूंगा। मैंने अपने टेरेस गार्डन पे कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत इस वाइट कलर के रोज मॉस के साथ करते हैं। ये मेरा वाइट कलर का रोज मॉस है और इसे मैंने ये येलो कनेर के नीचे लगा रखा है। ये देखिए गमले में काफ़ी ये फ्लावरिंग करता है, बरसात के दिनों में ज़्यादा करता है। और इधर दोस्तों देखिए, ये मेरा रेड कलर का है, इसमें भी बहुत फ्लावरिंग होती है। और ये जो गुड़हल का प्लांट है उसी के ठीक नीचे पॉट में लगा हुआ है। दोस्तों इधर हमारा ये देखिए, ये गुलाबी कलर में है और देखिए ये भी बहुत सा फैल गया है। और दोस्तों इधर हमने अपने करेले और तोरी की बेल लगा रखी है। ये देखिए ये कहाँ तक चढ़ गई है इसके ऊपर। अब इस पर फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि 5-6 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इधर देखिए, मैंने छोटी छोटी बोतलों में ये लगा रखे हैं। आप भी कोई वेस्ट मटेरियल होता है उसे फेंके ना, उनमें प्लांट लगाएं। ये देखिए एक ये है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है ये। और ये दोस्तों मेरे चंपा का प्लांट है, इसको 3 साल हो गए हैं, काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो गया। इसकी मैंने वीडियो भी ली थी मैंने, तो दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को। दोस्तों इधर एक बड़ा सा टब है, उसमें हमारी बहुत सारी तोरई की बेल लगी हुई हैं। इसकी अपडेट मैं आपको टाइम टाइम पे देते रहूँगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप हमारी आने वाली वीडियो देख पाएंगे। इधर देखिए दोस्तों, हमने कुछ बोगनविलिया की कटिंग लगा रखी है जो हमारी सक्सेसफुल हो गई हैं। देखिए इनमें नई ग्रोथ आ गई है, आपको दिख रहा होगा। और भी हमने बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी। दोस्तों इधर देखिए, हमने टमाटर के प्लांट कुछ लगा रखे हैं, ये हमने अपने घर ही के टमाटर से तैयार किए हैं। इधर दोस्तों हमारा एलोवेरा लगा हुआ है, ये एक प्लांट में कहीं से लेकर आया था, मैंने लगाया है। और दोस्तों ये हमारा सबसे खूबसूरत ये है गुड़हल का प्लांट है, जिस पर ढेर सारे फ्लावर आते हैं। एक दिन में कई कई फ्लावर हमको खिले हुए मिलते हैं। देखिए इनमें कलियां बनी हुई हैं। ये मेरे टेरेस गार्डन का सबसे खूबसूरत प्लांट है जो हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। बस सर्दियों के दिनों में ये थोड़ा रेस्ट पीरियड पे चला जाता है। और दोस्तों इधर देखिए, ये हमारा एक मिनिएचर है, ये हिबिकस, ये देखिए। और इधर दोस्तों हमने मिंट लगा रखा है, ये देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गया है इस गमले में, धीरे धीरे पूरे गमले को ढक देगा। काफ़ी अच्छा पुदीना है ये दोस्तों। और इधर दिखाता हूँ, ये दोस्तों मेरे देसी गुलाब का प्लांट है, ये गर्मियों में फुल सन में रख रखा था हमने, तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। अब धीरे धीरे ये अपने को ठीक कर रहा है और इसकी नई नई ग्रोथ भी आने लगी है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं, अब इसकी नई ग्रोथ शुरू होने वाली है। अभी मैं इसको कटिंग कर दूँगा ताकि ये जितनी भी इसकी जो ब्रांचें हैं वो हटा दूँगा। इधर देखिए, इधर दोस्तों हमारे कुछ खाली गमले रखे हुए हैं, इनमें हम आगे सर्दियों वाले फ्लावर लगाएंगे। दोस्तों इधर देखिए, हमने ये करेले की बेल एक और यहाँ लगा रखी है, ये भी धीरे धीरे इसके ऊपर चली जाएगी। ये देखिए, ये मैंने 12 इंच के गमले में लगा रखी है।
ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाती रहेगी, धीरे धीरे इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। और इधर देखिए, ये मेरा एक प्लांट लगा हुआ है, ये मुझे एक मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है ये प्लांट। इसका मुझे नाम नहीं पता है, पर ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इधर दोस्तों, ये मेरे वाइट कलर का गुड़हल का प्लांट है, इस पर अभी फ्लावरिंग नहीं आई है। और दोस्तों, ये हमारा फाइकस का प्लांट है, ये देखिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसकी हमने एयर लेयरिंग की थी, उसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं उसकी भी वीडियो दे दूंगा, तो उसे भी देख लीजिए, वो प्लांट आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये सम्मी का प्लांट है, ये मैं नर्सरी से लाया था, ये मेरे को 20 रुपीज़ का मिला। दोस्तों, यही प्लांट है जो हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया है, इसकी वीडियो मैं लास्ट में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा कैसे एयर लेयरिंग हमको करनी है सक्सेसफुल। देखिए, ये मैंने इस बैग में लगा दिया है, नर्सरी बैग में। दोस्तों, इधर हमारा देखिए, ये मोगरा का प्लांट है, इस पर अभी कुछ दिन पहले बहुत फ्लावरिंग हुई है। और दोस्तों, इधर देखिए, हमारा ये बोगनविलिया का प्लांट है, इस पर भी दोस्तों फ्लावरिंग देखिए हो रही है, धीरे धीरे अभी ये पूरी तरह से रेड कलर में हो जाएगा। और इधर देखिए, ये हमारे वाइट कलर का बोगनविलिया है। और ठीक, मैंने इसी के नीचे देखिए, मैं कटिंग लेकर आया था रोड पर से, तो हमारी कटिंग ये देखिए सक्सेसफुल हो गई है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो बरसात के दिनों में लगाएं, इसको एक महीना हो गया है लगे हुए, अब इनमें नए नए पत्ते आने लग गए हैं। तो आप भी ऐसे फ्री के प्लांट बना सकते हैं, आपको रोड साइड पे ऐसी कटिंगें मिल जाएंगी, आप ले आइए और लाके लगा लीजिए। ये दोस्तों हमारे तुलसी का प्लांट है, ये फ्लावरिंग पे आ गया, इसकी भी हमने वीडियो बनाई थी कि कैसे हमें अपना तुलसी का प्लांट को बूसी प्लांट बनाना है, इसकी भी वीडियो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक हर्बल प्लांट है जिसको हम ग्लोई कहते हैं, ये काफ़ी काम आता है प्लांट, ये ब्लड को भी साफ करता है, जिसके पिंपल वगैरह हो वो इसका सेवन करें। ये देखिए, ये प्लांट हमारा यहाँ नीचे से होते हुए ये ऊपर चला गया है, ये मैं नर्सरी के बैग में ही लगा हुआ है। ये दोस्तों, एक हमारा एक प्लांट ये है, ये इसे जेट प्लांट बोलते हैं, देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ये नर्सरी से मैं 10 रुपीज़ का लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इधर हमारा ये एक रोज मॉस का प्लांट है, और ये दोस्तों एक खूबसूरत सा प्लांट, ये हमारा बोगनविलिया का प्लांट है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, इसकी भी वीडियो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पहली बार आए हमारे चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब करके और बैल का आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, बस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।